हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी स्कर्ट से बहुत ही सुंदर टॉप। आप चाहे तो इसे अनारकली ड्रेस से भी बना सकते हैं। अनारकली ड्रेस का जो नीचे का घेर होता है ना, उसको आपको कट कर लेना है इसी तरीके से, और फिर आप उसका बना सकते हैं। या फिर आप एक कोई भी सिंपल पीस के कपड़े से भी बना सकते हैं। आपको 2 मीटर कपड़ा लगेगा। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ, तो आपका 1.5 मीटर कपड़े में भी इजीली फुल घेर वाला बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया। पहले इलास्टिक मैंने इसकी निकाल दी है साइड से। अब हम इसको साइड से भी अलग कर देंगे इस तरीके से। दोनों साइड से हमें इसको कट कर लेना है। तो ये बहुत ही सुंदर फैब्रिक है, बट स्कर्ट पहन के मैं अभी पक गई हूँ, तो मैंने सोचा इसका मैं टॉप बनाऊँ। इसका फैब्रिक बहुत ही सुंदर है, इसका प्रिंट अच्छा है एकदम। तो इसको मैंने कट कर लिया, देखिए। फिर दोनों पीस को मैंने इस तरीके से इसको बिछा लिया है। इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेना है अच्छे से एकदम। बहुत इजीली सुंदर टॉप बन के हमारा रेडी हो जाएगा। फिर आपको देखिए, जितनी लेंथ रखनी है आप उतना रख सकते हैं। मेरी जो फुल लेंथ आ रही है, मैं ले रही हूँ उसकी, देखिए 13/21 आ रही है। और उसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर ले लेना है। शोल्डर आ रहा है मेरा 9 इंचेस। अब उसके बाद मैंने आर्म्स ले लिया है। आर्म्स जो भी आपका वो ले ले, 6.5 इंचेस आ रहा है। और उसके बाद यहाँ चेस्ट का जो साइज़ होता है, जैसे कि आपका 40 है, 40 का 4th पार्ट लेना है आपको। पहले हम इसको सीधी लाइन कर लेंगे इस तरीके से आर्म्स की, और फिर बाद में हम जो चेस्ट का साइज़ है उससे पहले 4th पार्ट ले लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 11 लिया है, तो मैं ज़्यादा ही लूज़ रखने वाली हूँ, तो इसमें और मैं 2 इंचेस ऐड कर रही हूँ। देखिए, मैंने 3 इंच की मतलब टोटल मार्जिन रखी है इसमें। आप चाहें तो ज़्यादा मार्जिन भी रख सकते हैं। अब ऐसे भी ये टॉप जो लूज़ सिला जाता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी लूज़ रख सकते हैं। अब मैं इसमें बोट गला सीने वाली हूँ, तो मैंने इसमें 5 इंच लिया है, देखिए यहाँ से। और यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। ये मेरा फ्रंट गला कटिंग कर रही हूँ मैं इसको, तो मैंने इस तरीके से कर लिया है, ठीक है। आर्म्स में भी होल देंगे हम बाद में। पहले हम इसको यहाँ पे से शोल्डर से 13 इंच पे मार्क करेंगे। कमर का 13 से 14 के बीच में आप ले सकते हैं। और उसके बाद में आपका जो कमर का साइज़ है, उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा रख के जितना लूज आप रखना चाहें वहाँ पे मार्क कर लें, और फिर इसको इस तरीके से मिला लें। देखिए, कमर को मिलाते हुए नीचे जितना घेर आप रखना चाहते हैं उतना। मैं तो फुल रख रही हूँ इसको, तो मैंने फुल पे मार्क कर दिया उधर। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो मैं फ्रंट का गला ही पहले कट करूँगी। एक पीस को कट करना है हमें, 2 पीस हमने बिछाए थे ना, तो एक को कट करेंगे। देखिए, एक को नहीं कट करेंगे। पीछे वाला गला जो है हम उसका कम करेंगे। उसमें मैं ले रही हूँ 2 इंच। अगर आप अपनी मर्जी से जितना रखना चाहें उतने पे मार्क करके कट कर लें इसको। सिंपल बोट गला बना रही हूँ इसमें। टॉप में तो यही गला अच्छा लगता है वैसे, बाकी आपकी मर्जी, आप जो डिज़ाइन रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं सेंटर में कट लगा रही हूँ, जिससे हमें पता रहे कि ये सेंटर है। अब इसके बाद में हम आर्म्स की कटिंग करेंगे। आर्म्स की कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे आर्म होल देंगे, यहाँ 1 इंच का देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसे हम कट कर लेंगे। ये मैं स्लीवलेस बनाने वाली हूँ। अगर आप स्लीव बनाने वाले हैं, तो स्लीव का कपड़ा आप अलग से कट कर लें स्लीव को। स्लीवलेस बहुत ही सुंदर टॉप बन के रेडी होगा हमारा। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया। अब हम इसको कमर का भी हिस्सा इस तरीके से घुमाते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर में हम इसको इस तरीके से कट लगा लेंगे, तो हमें पता रहे कि ये सेंटर है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस तरीके इसको हटा के हम पहले अलग कर लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी आर्म्स में 1/2 इंच की गोलाई और देंगे हम फ्रंट पार्ट में, ये देखिए इस तरीके से। देखिए, मैंने कट कर लिया है। बस इतनी ही कटिंग होनी है इसकी। अब हमें क्या करना है, ये क्रॉस कपड़ा लेना है, इसकी हम पाइपिंग कट करके लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए, गले पे पहले आप कच्ची सिलाई कर लें इसी तरीके से, मतलब कुछ सिले भी नहीं इसको सिल लें इस तरीके से। एक सादा सिलाई कर लेते हैं ना हम कपड़े के ऊपर उस तरीके से, ताकि गला अच्छे से बैठे हमारा। उसके बाद एक तरफ से हम इसको शोल्डर को बिठा लेंगे सिलाई करके। ये देखिए, एक तरफ से मैंने इसको बिठा लिया है।
अब हम क्या करेंगे, जो पाइपिंग हमने रेडी की है ना, पहले हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इस तरीके से पहले राउंड बिठा लिया मैंने, एक साइड से शोल्डर बिठाए, एक साइड से ओपन है। तो ये पाइपिंग मैंने देखी इस तरीके से बिठा ली है। अब हमें इसे कच्ची सिलाई कर लेना है इस तरीके से, पूरे में बिठाते हुए गोल। देखिए मैंने बिठा लिया है, अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। गला बिठाने का एकदम इजी तरीका है, जिसको एकदम सिलाई नहीं आती वो भी सिल ले। तो देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हमें कट कर लेनी है। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इसको अंदर की तरफ। पर उससे पहले क्या करेंगे, हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से पहले शोल्डर जोड़ लेना है हमें, फिर हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे इसको। पहले हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो देखिए शोल्डर हमारा जोड़ गया है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए शोल्डर जुड़ गया है। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से देखिए, और साइड में एक सिलाई करते जानी है। इस तरीके से पूरा घुमा घुमा के हम सिल लेंगे। एकदम इजी तरीका है गला बिठाने का, जिसको बकरम वगैरह बिठाने में दिक्कत होती है वो इस तरीके से बिठा सकते हैं। देखिए एक मिनट भी नहीं लगता है, पूरा गला अच्छे से रेडी हो जाता है। देखिए गला हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से हमें बगल में भी बिठाना है। तो ये पाइपिंग हमें इसी तरीके जैसे मैंने गले में बिठाया है उसी तरीके से हम बिठाएंगे। एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक अच्छी सिलाई कर लिए, फिर हम अंदर से इसको मोड़ेंगे, सिलाई करेंगे फिर इस तरीके से। एक्स्ट्रा मार्जिन आपको यहाँ से काट देनी है, नहीं तो आपका गला या फिर जो भी आप बिठा रहे हैं जहाँ भी पाइपिंग, वो पलटी करेगा। पलटी करेगा मतलब बाहर की तरफ आएगा। तो उसको आपको अच्छे से कट कर लेना फिनिशिंग, फिर बाद में इसको सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बिठा लिया है, दूसरा वाला तरफ भी हम बिठा लेंगे। तो ये दोनों तरफ देखिए मैंने बिठा लिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ शोल्डर से जो है 13 इंच पे मार्क लगाएंगे, जिसे हमने कमर पे लगाया था ना उसी तरीके से हमें शोल्डर से सेंटर में मार्क लगाना है 13 इंच पे। दोनों तरफ शोल्डर से माप के लगा लेंगे और फिर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। एक कमर में जो हमें 13 इंच का मार्क किया था वहाँ पे मिलाते हुए इस तरीके से हम पूरा मिला लेंगे लाइन को। देखिए अब आपको क्या करना है, ये इलास्टिक ले लेना है। अब इलास्टिक आपको किस माप से लेना है, जो आपकी कमर का साइज़ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम लूज़ टॉप पहनने वाले हैं। अगर आपको फिटिंग का पहनना है तो आप जितना आपको फिटिंग करना है उस हिसाब से लें कमर का साइज़। तो ये मैंने कमर के साइज़ के हिसाब से ले लिया इलास्टिक, और अब हम इसको सेंटर में इस तरीके से पहले यहाँ स्टिच करेंगे और फिर बाद में इस तरीके से यहाँ स्टिच करेंगे। उसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी करना है सेम तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ऑल पिन से सेट कर लेंगे ताकि ये इक्वली सब तरफ से बैठ जाए। इस तरीके से करने से आपकी बराबर इलास्टिक सब तरफ से बैठ जाएगी। देखिए इस तरीके से, तो चलिए बिठा लेते हैं इसे फटाफट। अगर आप किसी स्पेशल चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, जहां हम वेस्ट चीज़ों से कुछ अच्छा बनाते हैं। तो ये देखिए इसको एडजस्ट करते हुए हमें सीधा सीधा सिलाई कर लेना है। ये देखिए मैंने बिठा लिए हैं दोनों साइड से। अब हमें इसे बगल में भी बिठा लेना है इस तरीके से मिलाते हुए सीधा सीधा, दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। देखिए यहाँ से भी बिठा लेंगे। तो ये मैंने बिठा लिया है। अगर आपके नीचे से सिलाई नहीं की हुई तो आप फोल्ड करके कर लें, इसमें ऑलरेडी है तो मैं नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो आपको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है नीचे भी पूरे घेर में, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसको नहीं करूँगी। और देखिए टॉप हमारा बन के रेडी हो गया है।
अच्छा होगा, अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।